आम संपादक हैं वो एक अन्य मार्ग में बैठते हैं, तो आज भी बहुत सारी चीजें मेरे बारे में नहीं निकलती। फर्ज की जा अन्य मार्ग में नीतीश कुमार बैठते हैं जी, बिल्कुल आप उनको प्रधान संपादक कहते हैं। हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी, नीतीश कुमार और लालू यादव, मतलब तेजस्वी यादव कह लें क्योंकि अगर उनके ही वो पार्टी वही अभी देख रहे हैं फिलहाल, तो आप उनको चैलेंज कर रही हैं कि आपके खिलाफ वो बांकीपुर सीट से उतरे। बिल्कुल, मैंने नीतीश जी और लालू जी को तो ये खुली चुनौती भी दी थी। पूरा बिहार, नरेंद्र मोदी का नाम आप नहीं लेती हैं? आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं वही राजनीति करूं जो सब करते हैं? कह सकते हैं कि आपका ये बोर्ड एग्जाम है, आप भी पॉलिटिकल इस चुनाव में आप एक स्टूडेंट हैं, तो कैसी तैयारी है? नर्वस हैं, डर है या कॉन्फिडेंट हैं, क्या है? सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि ये बोर्ड एग्जाम सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम बिहार के उन सभी लोगों का है जिन्होंने बहुत लंबे अरसे से एक विकल्प मांगा है और वो विकल्प मिला नहीं है। यहाँ के लोगों को, जो आपके आसपास लोग हैं, उनको समझाना पूरे प्लूरल्स का मतलब क्या है? तो मैं उनको सबसे पहले तो ये समझाती हूँ कि सबकी पार्टी है, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों की पार्टी है। ये तो सारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन से नहीं कह रहे अब तो। नीतीश जी ने तो बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, नीतीश सबके हैं। नीतीश सबके हैं कह देना और एक्शन में वो चीज नजर नहीं आना, वो दोनों दो इतना बेवकूफ कोई नहीं है बिहार में। ये हमें लगता है कि उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया और लोगों ने मान लिया कि वो सबके हैं, ऐसा नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी की लड़ाई जो है बिहार चुनाव में किससे है, नीतीश कुमार या लालू यादव? दोनों ही से। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, बट फिलहाल तो वही हैं। लालू जी के वो बेटे हैं, लालू जी की पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो फिलहाल तो वही कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव से आप फाइट मानेंगे? ये जो अवसर वाली जो चीजें हैं, मैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि आपको अवसर सिर्फ इस वजह से नहीं मिल जाने चाहिए कि आप यू नो किसी फैमिली से आते हैं या किसी के पुत्र। लालू जी की ही पार्टी, ऐसे बहुत सारे जगह पे मैं गई हूँ जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि लालू जी को चुनेंगे, लोग अभी तक समझ रहे हैं कि लालू जी को चुनना है। मैंने नीतीश जी और लालू जी को तो ये खुली चुनौती भी दी थी कि आप आइए, आपको तो सब जानते हैं, राइट? ये जो एक वो बात कहते हैं कि आप तो नहीं नहीं आए हैं, आपको आप दोनों को तो सब जानते हैं, तो आप अपना अपना उम्मीदवार बांकीपुर में उतारिए और हम रेफरेंडम कराते हैं, आप खुद उतरिए क्योंकि आप मुख्यमंत्री खुद ही हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, तो आप उतरिए। और लालू जी जो उनके उम्मीदवार हैं वो तो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं आप ही राघोपुर से जाकर लड़ लेती हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, वही क्यों जाएं? आपको लड़ना है आप लड़ लीजिए, अगर आपको दिखाना है कि आप कुछ बदल कर सकते हैं। बट मैंने अभी आपको जो कहा वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया क्योंकि मैंने आपको ये चीज कहा कि राजद लालू जी का है। राजद लालू जी का, लालू यादव तो जेल में है ना, तो लालू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू यादव। हाँ, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अपने पार्टी की, नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के, तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जहाँ से मैं लड़ रही हूँ, प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ पे अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतारे और उनके काम का रेफरेंडम कराते हैं। मुख्यमंत्री जी तो चुनाव भी नहीं लड़ते, विधायक तो वो कभी बने भी नहीं है, तो इस बार देख लेते हैं क्या दिक्कत। नीतीश कुमार पर हमलावर होती हैं, लालू यादव को चैलेंज करती हैं, तेजस्वी का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी पिछले 5-15 साल में 13 साल अगर बिहार में सरकार रही है तो उसमें बीजेपी भी रही है, उसका नाम क्यों नहीं लेती? ये बिल्कुल ही गलत बात है। मुझसे फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं कांग्रेस का भी क्यों नहीं नाम लेती। मैं बार बार नीतीश जी का सरकार में है बीजेपी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कांग्रेस का क्यों नहीं नाम लेते। मैंने ये बार बार कहा है कि मेरे लिए सभी एक ही, इसमें कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है मेरे मन में। तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बिहार को लेके सब फेल रही है, मैं किसी का नाम लेने से नहीं बच रही, लेकिन उस फेलियर का नहीं, तो सुशील मोदी पे कहाँ आप अटैक करती हैं कि अभी भी आप बात में किसी भी बोल रही हूँ आपको, सुशील मोदी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी 5-6 साल उनकी सरकार भी रही है, वो भी सेंटर में रहे हैं, उनका भी बहुत सारी चीजें, उन्होंने भी कई सारे करोड़ रुपए की देने की बात कही। देखिए, हर पार्टी का एजेंडा सेट करने का अपना अधिकार होता है। मुख्यमंत्री ने अभी अभी कहा कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, तो उनसे कोई जाके क्यों नहीं पूछते? तो इतनी सारी जो मिले हैं, हम बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम पूछते हैं पुष्पम जी। तो हम वही कह रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उनके एजेंडे पे बोलूँ
तो मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि वो मेरे एजेंडे पे क्या बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, उन्होंने सब्सटैंटिव क्या किया है वुमेन के लिए, उसे कैसे उनकी हालत सुधरी है उसके बारे में बताएं, उसके अलावा उन्होंने कितने इंडस्ट्रीज लगाए हैं उसके बारे में बताएं, उन्होंने कितनी नौकरियां लाई हैं उसके बारे में बताएं, और फिर तब हम उनके एजेंडे के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट है मुझे यहाँ पे, क्या मोदी सरकार उस पर स्टैंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, आपके आपका जो पैरामीटर है उस पर? कोई भी स्टैंड नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे मेरी, मैं ये चीज़ मैंने पहले भी कही और मैं आपको भी कहूँगी, उनसे मेरी लड़ाई उस दिन होगी जिस दिन मैं वहाँ बैठूंगी और उनको ये कहूँगी कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम्स है, आप हमें दीजिए और वो नहीं देंगे। आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हैं, क्योंकि आप नीतीश कुमार को चैलेंज कर रही हैं, आप लालू यादव को चैलेंज कर रही हैं, आप तेजस्वी का जो नाम एग्जैक्टली मैं कहूँ, तेजस्वी के नाम लेने से भी आप थोड़ा बचती हैं, अब मेनली आपका अटैक लालू या नीतीश पे है, इसमें वो कॉन्फिडेंस वाली ये चीज़ है। आपने अपने ही कॉन्वर्सेशन में एक टोन में सेक्सिज्म की बात की और दूसरे टोन में, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, हाँ, बिल्कुल आप बोलिए, और दूसरे टोन में आपने ये चीज़ कहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट। जब कोई मेल पॉलिटिशियन लालू जी को चुनौती देते हैं या कोई मेल पॉलिटिशियन नीतीश जी को चुनौती देते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सवाल अगर आपसे किया है तो मैं मेल कैंडिडेट जो सीएम कैंडिडेट आजकल हैं हर जगह, जो अलग अलग पार्टीज अलग अलग जो अलायंस में बन रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करता हूं। मैंने कोई फीमेल होकर सोच नहीं, मैं आपको ये चीज नहीं कह रही, बट ये बात बिल्कुल ही मैं बोलूंगी, ये मैंने बहुत नोटिस किया है यहाँ पे, जब मैं नहीं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे इनके पीछे कोई है, जब मैं बोलूंगी तो फिर लोग बोलेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट का क्या मतलब है, उन्होंने काम नहीं किया है, तो मैं बोल रही हूँ। मेल डोमिनेंट पॉलिटिक्स में पुष्पम प्रिया चौधरी कितना फिट बैठ रही हैं? आपने मुझसे जो ये बात पूछी है उस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे हर आदमी आके ये ज़रूर पूछता है कि रिजर्वेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन जो 50% से अधिक हमारी जनता है, जो औरतें हैं, और शायद ही कोई घर है जिसमें औरतें नहीं हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती, और ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में विभिन्न रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स या जिसको आप ऐसे कहिए डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे औरतें हैं ही नहीं दुनिया में। आपके लिए कितना चैलेंज है यहाँ? एक चीज़ होती है जो कि आप सोचते हैं, आप किस तरीके से चीज़ें करते हैं, और एक होती है कि सामने वाले जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हाँ, हम हैं सेक्सिस्ट देश हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी परेशानी थी, जो मुझे करने की सबसे ज़्यादा इच्छा थी, जो होने की ज़रूरत है, वो ये था कि मैं चाहती थी कि मैं 50% जो टिकट्स हैं वो औरतों को दूँ, उसमें डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे औरतें विधानसभा विधान परिषद में बैठे, उसमें मुझे दिक्कत हो रही है। आप जीत जाइएगा तो क्या करिएगा लड़कियों के लिए? सबसे पहले अगर कुछ करना हो तो क्या लड़कियां क्या आपसे उम्मीद लगाएं? मुझसे अभी दो दिन पहले एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि मैडम आप कुछ भी नहीं करना, और स्लम में रहती हैं वो, उन्होंने कहा आप कुछ भी नहीं करना लेकिन कुछ ऐसा करना कि हमें ईव टीजिंग नहीं झेलना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारी जो बड़ी बहन है उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, एंड शी इज इन स्कूल, हाई स्कूल में है वो। उन्होंने कहा लेकिन जब चौक चौराहे पे जाते हैं तो डर लगता है, तो वो सबसे पहले सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा जो एजेंडा है, जब मैं रोज़गार कहती हूँ उसका ये मतलब नहीं होता कि औरतों के लिए रोज़गार नहीं, औरतों के लिए रोज़गार लाने की उतनी ही ज़रूरत है जितने की पुरुषों के लिए रोज़गार लाने की ज़रूरत है।